खाते। पंचायती चुनाव महासंग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज देवी जी बात का। आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया जिला का कनफड़िया जो है कि पंचायत में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और आइए मैं उसे सीधे रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार, नमस्कार सर, पीडी न्यूज में नमस्कार। बताइए, मेरा नाम है मोहम्मद मुबारक हुसैन, मैं कनफड़िया पंचायत से बिलोंग कर रहा हूँ। ये प्रथम पंचायत, ये है बैसा। तो आप राजनीतिक में कितना दिन से हैं? राजनीतिक में तो सर हम थे नहीं कभी, हम यही छोटा मोटा मेरा कारोबार था ग्रिल गेट का। और उद्देश्य राजनीतिक में आने क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हम छोटा मोटा जब कारोबार कर रहे थे तो लोगों के बीच में रह रहे थे हम। बाकी जो हमारा यहाँ का पंचायत का जो प्रतिनिधि है, ये लोग पता नहीं किस ढंग से काम कर रहे हैं। तो लोगों के बीच जब हम आना जाना शुरू किए तो लोगों ने हमको सवाल किया कि मुबारक भाई, आपको हमारे पंचायत में आने की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को आने की ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ सही ढंग से काम होता नहीं है। तो इसी वजह से मूड बनाए हैं हम। आज तकरीबन एक साल से मेरा इसमें प्रक्रिया चल रहा है पंचायत इलेक्शन के लिए। जी, पब्लिक के बीच हम हर वक्त एनी टाइम 2400 घंटा एनी टाइम हम पहुंच रहे हैं। किसी भी टाइम अगर किसी ने याद करता है हमको, तुरंत पहुंचते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। तो आपका पंचायत में विकास क्या नहीं हुआ? देखिए सर, विकास का नाम तो पूछिए ही मत, क्योंकि हम किसी का विरोध करने के लिए चाहते नहीं हैं। विकास आज तक देखे ही नहीं कि विकास मुखिया के फंड से कैसा विकास होता है, क्या होता है। जैसे कि आप देख लिए मनरेगा भवन से काम जो है कि देना था, करवाना था उसको, तो क्या मनरेगा भवन से काम हुआ है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है। बाकी कहीं इंदिरा आवास हो गया? जी सर, इंदिरा आवास होता है लेकिन गलत तरीके से होता है। इतना हम किसी के बीच जो है उल्लंघन किसी को नहीं करने के लिए चाहते हैं, लेकिन इंदिरा आवास हो या कोई सा भी काम हो, जैसे कि आज हम 13 नंबर वार्ड से रह रहे हैं, 13 नंबर वार्ड में 7 निश्चर वाला काम हुआ, एक भी मेरा काम कोई दिखा दे कि यहाँ 7 निश्चर वाला काम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, कोई काम हुआ ही नहीं है। इसके कारण लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको इस बीच में आने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा सारा चीज़ सारा सिस्टम या बिहेव देखते हैं बहुत अच्छा है, लोगों के बीच तुम रहते हो, तुमको आने की ज़रूरत है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं सर। राशन कार्ड हो गया आपका, पेंशन हो गया, ये सब क्या स्थिति है? बोले ना सर, सारा चीज़ का सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ही ख़राब है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना पंचायतवासियों प्रखंडवासी जनता को क्या अपील करना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही कहने के लिए चाहते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं, 10 महीना से फुल मेरा तैयारी चल रहा है, आप लोग एक बार कम से कम मुझे भी मौका दें काम करने के लिए। ताकि जब तक, एक बात है सर, कोई भी इंसान हो, बार बार किसी भी पद में रहने से उसका मन मोटा हो जाता है, लोगों के बीच से दिल वो दिमाग बाहर निकल जाता है, हट जाता है। तो हम लोगों को वैसे ही समझाते हैं कि एक बार हम जैसे आदमियों को भी देख लीजिए कि आप लोगों के बीच हम पंचायत में रह करके क्या करते हैं नहीं करते हैं, बस 5 साल की तो बात है। तो इसलिए मुझे सब ने कहा है कि नहीं, आने की ज़रूरत है आपको, आप आइए इस बार हम लोगों के बीच और इंशाल्लाह ताला हम आपको वोट करेंगे, इसलिए हम तैयारी में हैं सर। लगाते हैं यहाँ की जनता रहने वाले जो कि इससे बात करते हैं विकास के मामले में, जो कि 15 साल से यहाँ पे क्या विकास हुए हैं। जी, हमारा स्वागत है आप लोगों से। अपना परिचय बताइए आप। मैं कनफड़िया पंचायत से, मेरा घर हुआ पांधी, और कनफड़िया पंचायत में जो अभी प्रजेंट मुखिया है उसका नाम है अफजल, और वो आज 2 दिन से मुखिया है, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ है हमारे पांकी में। कितना साल हो गया मुखिया बनने का? उसका हो गया है लगभग 15 साल।
15 साल से मुखिया है तो अभी तक विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है विकास। और हम लोग पाकी के बारे में, रोड के बारे में, बहुत सारा चीज़ के बारे में उसको बताए, लेकिन वो किसी चीज़ में, मतलब आप लोग जब उसको कहने गए कि यहाँ पे विकास है, रोड नहीं है, तो क्या बोल? वो बोल रहा है कि करेंगे, हमको पहले जिताओ फिर से जिताओ। मतलब ये 15 साल में जिता तो उसमें मतलब हाँ उसका पेट नहीं भरा, ये 15 साल में उसका पेट नहीं भरा, फिर वो फिर तरह से वो जीतना चाहता है। और इसीलिए ये जो अभी नया मतलब मुबारक भाई आ रहा है मुखिया में, तो सब किसी का दिल में वो बसा हुआ है, और वो कोई छुपा हुआ इंसान नहीं है। मुबारक भाई बहुत जाना पहचाना आदमी है, सब कोई बच्चा बच्चा जानता है उसे, और सब कोई बोल रहा है कि उसको जिताएंगे इस बार, बहुत ही वोट से जीतेगा वो, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे नौजवान साथी सब कोई बोल रहा है। आप भी एक ग्रामीण है, और ग्रामीण से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम ग्रामीण से यही अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त बुजुर्ग और नौजवान साथी है, सब किसी से यही निवेदन है कि सब कोई मुबारक भाई को इस बार जिताएं, और पूरे दिल से जिताएं, क्योंकि वो सब किसी का भला करते आ रहे हैं। नए भी मुखिया था तब भी वो भला किया है हर किसी का, अपने पैसे बहुत उड़ाया लोगों के पीछे, तभी मुखिया के पीछे, अंजर मुखिया के पीछे, हासिम मुखिया के पीछे, जब वो खुद आ रहा है अपने पद में तो वो क्या कर सकता है लोगों के लिए, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए हमारा ये निवेदन है तमाम मेरे कनफलिया पंचायत वालों से कि सब कोई आकर के उसे बढ़िया से वोट दें और उसको जिताएं इस बार।